नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज मुझे समय मिला है आपके सामने आने का और कुछ जानकारी आपके साथ बांटने का। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी मित्रों को, उन सभी भाइयों बहनों को, सभी लोगों को जिन्होंने बी द चेंज चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने प्रण लिया है अपने आप को बदलने का, और इसी के साथ वो सब कार्य निस्वार्थ भाव से करने का जिनकी वजह से भारत के भविष्य में सकारात्मक बदलाव आ सके। आपने जो प्रण लिया है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसमें सफलता दें और आप इसी मार्ग पर सदा चलने के लिए प्रेरित होते रहें। तो दोस्तों, आज का विषय है कृषि, और कृषि के बारे में कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं कुछ ऐसा विषय आपके सामने रखूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि हम जो शिक्षित युवा है सचमुच में कृषि के लिए कुछ योगदान कर रहे हैं या नहीं। आज हम जानेंगे एक ऐसी व्यक्ति के बारे में जिन्हें जनवरी 26, 2020 यानी कि इसी साल के गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम है राहीबाई सोमा पोपेरे। ये एक छोटे से गांव से आती हैं महाराष्ट्र के, और अशिक्षित हैं। इन्होंने कभी शिक्षण पूर्ण नहीं किया, और इनका जो योगदान है कृषि के क्षेत्र में, इसका लोहा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने माना है, और इसी की वजह से इन्हें एक नाम भी दिया गया है जो है बीज माता, या इंग्लिश में अगर हम कहें तो सीड मदर। तो अशिक्षित होकर अगर एक महिला, भारतीय महिला, इतना कुछ हासिल कर सकती है, तो क्या हम शिक्षित युवा युवतियां भारत के लिए सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। बस इतना कहकर मैं आपके सामने, अभी मेरे दोस्त आएंगे जिनका नाम है प्रसाद कुलकर्णी, वो आपके सामने राहीबाई के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें या रोचक तथ्य कहें जो आपके सामने रखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इनके बारे में सुनने के बाद, इनका कार्य जानने के बाद आपके मन में भी प्रेरणा आए और आप भी कुछ भारत के कृषि क्षेत्र के लिए योगदान देने के लिए कुछ कार्य करें। आइए देखते हैं क्या है राहीबाई पोपेरे का योगदान। थैंक यू आनंद। नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आनंद ने बताया राहीबाई पोपेरे के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो काम है वो कैसे शुरू हुआ। उसके पहले मैं अपना खुद का परिचय देता हूँ। मैं प्रसाद कुलकर्णी, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैंने देखा है किसान की जिंदगी कैसी होती है, काफी नजदीकी से क्या परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है अपनी जिंदगी में। तो ऐसा ही एक हमारे सामने उदाहरण है राहीबाई पोपेरे, जो कि एक महिला है साधारण सी, जो अशिक्षित है लेकिन असफल नहीं है, जिनकी जिंदगी एक छोटे से गांव में बिताई है उन्होंने, अहमदनगर महाराष्ट्र में, कुंभारणी नाम का विलेज है, जिनको बचपन से ही आदत थी कि बीजों का संकलन करे। तो वो जंगल में जाती थी अपने पिता के साथ, उन्होंने कई सारे जो भारतीय अपने देसी बीज है उनका संकलन किया है, और उनके पास आज एक सीड बैंक है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, नारी शक्ति का अवार्ड उन्हें मिला है। तो ये जो अचीवमेंट की उनकी स्टोरी है वो आज हम देखेंगे, तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो लेट अस सी हाउ शी हैज डन। सो जैसे कि मैंने बताया उनको बचपन से आदत थी, सो उनके ये जो सीड बैंक उन्होंने क्रिएट की उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था। तो बेसिक रीजन वॉज
that when she observed that nowadays we have different diseases, जैसे कि malnutrition है, cancer है, blood pressure है, ये अभी की बीमारियां है, उनके बचपन में उन्होंने ये नाम भी कभी सुने नहीं थे, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो जो hybrid seeds है, जो hybrid खाना है, जो जो हम सब्जियां लेते हैं, जो fruits हम खाते हैं, या फिर जो धान्य है, जैसे गेहूं है, या जो भी हम चावल है, इसमें बहुत सा hybrid आ गया है, जिसकी वजह से हम किसान करते क्या है? तो किसान बहुत ज्यादा उत्पादन के चक्कर में अपने सेहत को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कई बार जिंदगी को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये बीमारियों को आप आमंत्रण दे रहे हो, इसके बजाय आप अगर नेटिव सीड्स जो है, आपके देसी जो सीड्स है, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल गेट मच बेटर न्यूट्रिशन। जैसे कि बताया गया है कि what is the difference between native seeds and hybrid seeds? So one of the basic differences is that you retain those seeds. आपको अगर आपको खरीदने पड़ते हैं hybrid seeds हर बार, और लेकिन अगर आप नेटिव सीड्स की बात करो तो ये आपको एक बार खरीदने पड़ेंगे, बार बार आपको मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके पास सेम जो ओरिजिनल सीड है वही आप रिटेन करोगे। हालांकि हाइब्रिड सीड में ऐसा नहीं होता है, हाइब्रिड सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसमें कई सारे चेंजेस लाती है, तो इट गोज ऑन चेंजिंग विद टाइम, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। एंड इट इज नेचुरल, इट इज प्योर, तो आपके सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। राहीबाई पोफेरे बताती है कि एक कप जो दूध है अपने देसी गाय का, वो एक लीटर दूध के बराबर है जर्सी गाय के, तो ये इतना फर्क उसमें आ जाता है। तो उनके पास 54 उत्पादनों के 115 से ज्यादा वैरायटीज उन्होंने कलेक्ट किए जंगल में से अलग अलग, वो फिर चाहे गेहूं हो, चावल हो, तो उन्हें इसी काम के लिए उनको नवाजा गया पद्मश्री अवार्ड से। उनके घर में अगर आप देखोगे तो बिजली भी नहीं है, वो एक साधारण से घर में रहते, मिट्टी का उनका घर है, ना उनको राशन का धान्य मिलता है, ना बेसिक फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइडेड है, बट स्टिल शी हैज प्रूव्ड हर वर्क एंड शी हैज गॉन ऑन टू विनिंग पद्मश्री अवार्ड। सो जरूर आप इनकी स्टोरी एक बार अच्छे से देखिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी उन्होंने इसके लिए बिता दी है, तो आज की जो युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के लिए ये काफी बड़ा उदाहरण है कि हम अपने कंट्रीब्यूशन से ये सब बदलाव ला सकते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, ना सिर्फ क्षेत्रफल से बल्कि जनसंख्या से भी, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग। तो ये जो सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, जब तक जन भागीदारी उसमें नहीं है तब तक इस देश में बदलाव नहीं आ सकता। तो हाँ, आपने जो प्रण लिया है, आप BTCC का पार्ट होना चाहते हो, आपने वीडियो यहां तक देखा है, मतलब यू मस्ट बी सीरियस अबाउट दिस, तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये मत पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये सवाल पूछिए अपने आप से कि मैंने देश के लिए क्या किया है। जी हाँ, देशवासियों ने अपना जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसे समझना चाहिए और उसे उठाना भी चाहिए, राइट? जैसे हम अपने घर के लिए करते हैं, वैसे ही आप इस देश को, अपनी पूरी दुनिया को एक परिवार समझिए और उसके लिए कुछ कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति हमें बताती है। तो जरूर हम अगर साथ में डिसाइड करते हैं तो टुगेदर वी कैन कन्वर्ट APJ अब्दुल कलाम्स ड्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल सुपर पावर। यस, दैट इज पॉसिबल इफ ऑल ऑफ अस डिसाइड एंड गो टुवर्ड्स अचीविंग दैट ड्रीम। चार पंक्तियां कहूंगा और मैं ये इसका समाप्त करता हूं। ये एक शेर है, शायरी है, तो आप में जो देशभक्त है, आई होप कि वो जागेगा, तो सुनिए। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। थैंक यू।